जैसे मेनस्ट्रीम मीडिया के युग में गांव और शहरों की बस्ती में लगे वार्ता फलक बहुत कम होते नजर आ रहे हैं। जो वार्ता फलक है वो किसी एक समुदाय या किसी एक संगठन या किसी एक व्यक्ति के लिए रहे। ये वार्ता फलक समुदाय संवाद का एक बड़ा स्रोत बन सकते हैं। ये सोचकर कुछ लोग नासिक में सामूहिक तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। लोकफला ये जो कंसेप्ट है ये कुछ ऐसी नई कंसेप्ट नहीं है। भारतीय इतिहास का एक कल्चर का यदि आप स्टडी करते हो तो शिलालेख आपको दिखाई देंगे, तो उसमें भी बहुत सारा मैसेज लोगों के लिए रखा हुआ था। अभी भी कुछ जगह हम वो देख सकते हैं। बाद में देखा जाए 80 से 2000 अब तक बोर्ड का प्रमाण बहुत ही कम हो गया यूज करने का, तो ब्लैक बोर्ड जो है जो फलक है वो अभी हम जो देखते हैं चौक में, तो लाइट बिल इस समय का इतना आ गया है वो भरो, हमारे यहाँ के अमुक तमुक व्यक्ति का देहांत हो गया है, इनकी जयंती है, लोकमान्य तिलक की जयंती, शिव जयंती है, ये सब जयंती और महंती के लिए ही ये सीमित हो गया है। मला असं वाटतं की इंटरनेट फेसबुक आणि ट्विटरच्या ह्याच्यामध्ये सगळे आम्हाला म्हणत असतील की तुम्ही पुन्हा एकदा फळा संस्कृती का आणली, परंतु मला सांगायचं आहे की लोकांमधला संवाद आम्हाला वाढवायचा। काय होतं की सगळे वृत्तपत्र असतील, वेगवेगळी माध्यमं असतील, यांच्या माध्यमातून निगेटिव्ह गोष्टी लोकांसमोर जात आहेत, परंतु आम्हाला सकारात्मक विचार लोकांसमोर आणायचे। तर लोक हे वाचून आम्हाला आणतील का नाही आणतील त्याबद्दल काही सांगता येणार नाही, परंतु विचार जरी पोहोचले तरी पुष्कळ आहे। लोकफळा योजनेचं कसं आहे की त्याच्यामध्ये एक बोर्ड लावला जातो आणि त्याच्यावर काही सुविचार किंवा काही माहिती असेल ती लिहिली जाते, आणि ज्या माणसाला सवड असते तोच माणूस तिथे क्षणभर थांबतो आणि वाचतो। आणि बऱ्याच वेळेला असं असतं की सांगितलेलं लक्षात राहत नाही पण वाचलेलं कुठेतरी स्मरणातच राहतं आपल्या। लोकांसाठी असलेलं हे व्यासपीठ आहे, त्यांचे जे विचार असतील, त्यांचे जे काही अधिकार असतील त्या फळ्याच्या माध्यमातून आम्हाला मांडायचे, आणि म्हणून याला लोकफळा असं आम्ही नाव दिलं। विजडम कलेक्टिव्ह विजडम उससे निर्माण होना चाहिए। सिर्फ कुछ इशू नहीं उससे रेज करना है, तो कुछ डेवलपमेंट के बारे में कुछ इशू है या कंसर्न मुद्दे है, नए नए कुछ क्रिएटिविटी है वो उधर आनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, लोगों ने इकट्ठा आकर उस पर कुछ करना चाहिए। ये देखकर मैंने भी अपने गांव में वार्ता फलक पर एक सार्वजनिक हित की सूचना लिख दी थी और उसका अच्छी तरह से मुझे प्रतिसाद मिला। नासिक महाराष्ट्र से मैं आनंद पगारे, इंडिया अनहर्ड के लिए।